नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। इसराइल और हमास का युद्ध दिनों दिन भीषण होता जा रहा। रफाह कैंप से इजरायली हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। बता चले कि इस वक्त नेतन्याहू किसी की सुन नहीं रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। नेतन्याहू ने रफाह पर हमले रोकने के एवज में 33 बंधकों की रिहाई की मांग की। हमास जब तक इन बंधकों को छोड़ नहीं देता, गाजा और रफाह में तबाही जारी रहेगी। धुएं का उठता गुब्बार, आसमान के सफेद रंग पर काला कर रहा है। बम के धमाकों की गूंज गाजा के गली गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोजन। गाजा में जिंदगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है। इज़राइल अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गाजा को रौंद रहा है। प्रचंड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के निवासी सुकून का एक पल भी गिन गिन कर जी रहे हैं। पता नहीं कब बम का गोला गिरे और जान चली जाए। गाजा की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो बताती है कि गाजा की मिट्टी बारूद से नहा चुकी है। तबाही किस लेवल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन्न रह जाएंगे। गाजा की बर्बादी के इनसाइड स्टोरी जो पश्चिमी मीडिया में छप रही है वो दिखाने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है, वो देख लीजिए। बेनियामिन नेतन्याहू को डर है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। ये कार्यवाही गाजा में इजरायली एक्शन के मामले में हो सकती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है। इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बंद करने की जगह और बढ़ा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ताकत कितनी है, क्या आईसीसी पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में इजराइल अपनी आत्मरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी प्रयास को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य पूर्व एकमात्र लोकतंत्र और दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इजराइल हमास के अंतिम आतंकवादी के खात्मे तक युद्ध बंद नहीं करने वाला है। आईसीसी के चेतावनी का असर उल्टा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी, इस मामले में मदद की। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, इसलिए मतभेदों को भुलाना होगा।
मतलब इसराइल ने गाजा को नेस्तोनाबूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है। रफा में लगातार इजरायली हमले इसकी बानगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदस्य हैं। 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है, यानी सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके। अपने लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो, तो आईसीसी भले ही फैसला सुनाए, उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है। नेतन्याहू इस बीच फुल एक्शन में है और गाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है। इजरायल के गाजा में जारी हमलों से किस तरह का नुकसान हुआ है, इस पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन टन मलबा पैदा किया है। इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बम शामिल है जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है। गाजा में प्रति वर्ग मीटर जमीन पर औसतन 300 किलो मलबा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इस वक्त मलबे की जो स्थिति है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने का काम किया जाएगा तो इसमें 14 साल लग सकता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गाजा में नष्ट की गई इमारतों में से 65% रिहायशी बिल्डिंग थी। तबाही की ऐसी शक्ल सूरत डराने वाली है। ये हाल तब है जब इजरायल गाजा पर नए हमले की तैयारी में जुटा है। मतलब 7 अक्टूबर को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक, यानी 7 महीनों में जितना बारूद बरसाया गया है उससे पैदा हुए मलबे को हटाने में ही 14 वर्ष लग जाएंगे, जबकि अभी युद्ध जारी है और इसकी समाप्ति की अभी कोई तारीख तय नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 महीनों में इजरायली हमलों में 34,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में युद्ध शुरू किया, जब हमास ने 1200 लोगों को मार डाला और 250 को बंधक बना लिया। तब से लेकर आज तक गाजा दहल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि रफा को इजरायल मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। इजरायल ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर पर योजनाबद्ध हमलों को रोकने के लिए हमास से कम 33 बंधकों को रिहा करने की मांग की है। हमास इससे खौफ में है और इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के लिए बेचैन है। इस बीच एक तीसरा देश मिस्र है जिसे डर है कि रफा क्षेत्र पर हमले से नागरिक तबाही होगी। मिस्र में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पलायन होगा क्योंकि रफा मिस्र के सिनाई क्षेत्र से सटा है। मिस्र के राष्ट्रपति काहिरा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को रफा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन ये दिखता नहीं है कि इजरायल किसी दबाव में झुकने वाला है। मिस्र इस कोशिश में है कि हमास पर दबाव बनाया जाए, लेकिन हमास इसके लिए टू नेशन थ्योरी की स्वीकृति का राग अलाप रहा है जो इजरायल को कतई कबूल नहीं होने वाला। नतीजा है कि इजरायल गाजा को मिटा रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बेहद डरावना है।
ये वीडियो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसे लेकर कहा गया है कि इजरायली सेना पर हमले के लिए घात लगाकर बैठे दर्जनों हमास आतंकियों को ट्रेस करके IDF ने उन पर भयानक एयर स्ट्राइक कर दी है। हमला इतना जबरदस्त था कि सभी आतंकियों के परखच्चे उड़ गए। इसराइल को मानवीय संकट का वास्ता देकर हमास के खिलाफ एक्शन को रोकने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के कई देश और संस्थाएं अपील कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमास का वो जलजला जिसने इसराइल के अस्तित्व के सामने ही संकट पैदा कर दिया है। हमास के कारण ही ईरान ने अटैक किया, हमास के कारण ही लेबनान से हिजबुल्ला का, यमन से हूथी लड़ाकों का इसराइल पर हमला हो रहा है। लिहाजा अपील, दलील चाहे बेनामिन से इंटरनेशनल संस्थाएं जितनी करें, उसका कोई प्रभाव कम से कम फिलहाल तो नहीं होने वाला दिख रहा है। बेशक इजरायली सेना एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, लेकिन यह सच है कि हिजबुल्ला इजरायल के खूनी हमलों के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि हिजबुल्ला ने दक्षिणी इजरायल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया कि इजरायल की हालत खराब हो गई। पूरे इजरायल में सायरन बज रहे हैं। अक्टूबर जैसा खूनी हमला, हिजबुल्ला का रॉकेट युद्ध। पिछले दो हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्ला के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इसराइल ने हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर मार डाले हैं। लेकिन अब हमले से बौखलाए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इसराइल में घुसकर ऐसे हमले करवाए हैं कि इसराइल हिजबुल्ला के हमलों से कांप गया है। इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल पर रॉकेटों से भीषण हमला किया है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक रात के वक्त हिजबुल्ला ने दक्षिणी इसराइल के इलाकों पर रॉकेट से हमले किए हैं। हालांकि इसराइल की IDF दावा कर रही है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है। इसराइली सेना के आयरन डोम ने हवा में भी हिजबुल्ला के रॉकेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्ला का दावा है कि उसके रॉकेट हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है, जिसे इसराइल छिपाने की कोशिश कर रहा है। खौफ में इसराइल 40 हमलों का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्ला के खौफनाक हमलों से इसराइल क्यों घबराया हुआ है। हाल में इसराइल ने डंके की चोट पर कहा था कि उसने हिजबुल्ला का सफाया कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्ला के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट के मुताबिक इसराइल की IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इसराइल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट्स से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि इसराइल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इसराइल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के इस बेहद खूनी हमले से ईरान, हूथी और हमास बुरी तरह बौखला गए। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים.
अब सवाल उठता है कि अगर इसराइल के दावे के मुताबिक भीषण हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ है तो उसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस वक्त इसराइल की सेना ने एक बार फिर से हमास के सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास लड़ाके भी मौजूद हैं, जो हिजबुल्ला की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्ला के तबाह होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजरायल हिजबुल्ला के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्ला के 40 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्ला के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का ये हमला एता अल शाब के पास किया गया है। एता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला के स्टोरेज और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला ने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। इधर हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजरायल से बदला लेने के लिए उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती गांव पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। बेशक ईरान समर्थित हिजबुल्ला को तगड़ी चोट इसराइल ने पहुंचाई हो, लेकिन हिजबुल्ला को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। ईरान हिजबुल्ला को और ताकतवर बनाकर हमले करवा रहा है। यही वजह है कि कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्ला ने दक्षिणी इसराइल पर रॉकेटों की बौछार करके इसराइल से बदला लिया है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक उसने 30 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी इसराइल पर दागे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दक्षिणी इसराइल पर हमला करने के लिए कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्ला का रॉकेट हमला इसराइल से अपने कमांडरों की मौत का बदला माना जा रहा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी हमने अपना मुख्य हथियार नहीं निकाला है, जिस दिन निकालेंगे इसराइल का विनाश हो जाएगा। الاساسي بعد ما طلعنا القوات الاساسيه بعد ما استخدمناها لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين نحن الشباب يشتغلوا بالجبهه خدمه اجازه يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملين الانجازات المعموله بالشمال اللي سالوا الاسرائيليين عنها। हिजबुल्ला की ताजी खूनी धमकी को इजरायली सेना जरा भी हल्के में नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्ला की तरफ से लगातार हमले इसराइल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए जब ईरान ने 13 अप्रैल को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इसराइल पर हमला करने में किया था। हालांकि इसराइल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। अब इसराइल के साथ दिक्कत ये है कि वो 3 फ्रंट वॉर के बीच गिर गया है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला और तीसरी तरफ हूथी है, जो इसराइल पर समंदर के जरिए हमले कर रहा है। अमेरिका इसराइल पर हूथी का हमला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इसराइल हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका के शह पर कोहराम मचाए हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इसराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए कि भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है।
ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक दो हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इसराइल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इसराइल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी विद्रोहियों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारिया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से 1 जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इसराइल का 1 क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी ने अमेरिका और इसराइल के जहाजों पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मैस यॉर्कटाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेरा क्रूज को निशाना बनाया गया है। فدت القوات البحريه في القوات المسلحه اليمنيه عمليه عسكريه استهدفت سفينه ميرسك يورك تاون الامريكيه في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريه المناسبه وكانت الاصابه دقيقه بفضل الله। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के युद्ध में बदल चुका है। इसराइल एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसके अंत की तारीख दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये जंग अब सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी। रफा बॉर्डर से आई एक बच्ची की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये तस्वीर युद्ध की एक बेहद ही दर्दनाक कहानी बयां करती है। साथ ही ये तस्वीर सवाल खड़े करती है उन देशों पर जो वर्चस्व की जंग में युद्ध के उन्माद में डूबकर एक दूसरे पर हजारों टन बम बरसा रहे हैं, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच किम जोंग उन ने न्यूक्लियर ड्रिल जो थी पूरी की है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा इससे बढ़ गया। ये बारूदी विध्वंस कब रुकेगा? इस त्रासदी से इंसानियत कैसे बचेगी? क्योंकि इस आजमाइश ने अगली पीढ़ी को संकट में डाल दिया है। मौत का ये तमाशा कितना विनाशकारी है, बस इस नन्ही सी जान को देखकर समझ लीजिए। क्योंकि एक जोरदार धमाका हुआ और इस बच्ची का सब कुछ छिन गया। ये वो बच्ची है जिसे अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। इस बच्ची के अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि ये रो सके, अपनी माँ को बुला सके, जो अपने सीने से इसे लगाकर चुप करा सके, अपनी ममता इस पर लुटा सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बच्ची को जन्म देने से पहले ही इसकी मां की सांसें रोक दी गई। खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की जंग में लगी इस दुनिया के बम बारूद ने इसकी मां को मार दिया। ये बच्ची भी शायद ही इस दुनिया में सांस ले पाती। वो तो शुक्र हो उन डॉक्टरों का जिनकी नजर शवों के बीच में पड़ी इसकी मां पर पड़ी, जिसके बाद डॉक्टरों को पता चला कि ये महिला 30 हफ्तों की गर्भवती है। डॉक्टरों ने तुरंत ही बच्ची की मां का ऑपरेशन किया और बच्ची को बचा लिया गया। जिस वक्त बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त उसकी मां का बदन ठंडा पड़ चुका था। बच्ची की मां बेजान हो चुकी थी, सांसों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया था, वो मर चुकी थी। ये रफा का सबसे नया दर्द है। परिजन दहाड़ मार कर रो रहे हैं,